आईपीएल में बुधवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने राजस्थान रॉयल्स को डकवर्थ लुईस नियम की मदद से 4 रन से हरा दिया। राजस्थान के खिलाफ 29 गेंदों पर धुआंधार 59 रन बनाने वाले दिल्ली के बल्लेबाज ऋषभ पंत मैन ऑफ द मैच रहे। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में गुरुवार को दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का 32वां मैच खेला गया। टॉस राजस्थान ने जीता और दिल्ली को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन बारिश के चलते मैच 1.5 घंटे देरी से शुरू हुआ और ओवरों की संख्या 20 से 18 कर दी गई। बारिश रुकने के बाद दिल्ली ने ऋषभ पंत के 29 गेंदों में 69 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतक के दम पर 17 ओवर्स एक बॉल में 6 विकेट खोकर 196 रन बना लिया, लेकिन बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी और मैच को रोकना पड़ा। बारिश रुकने के बाद राजस्थान को 12 ओवरों में 151 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 12 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी और दिल्ली ने डकवर्थ लुईस नियम की मदद से मैच 4 रन से जीत लिया। राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा रन जॉश बटलर ने बनाए। बटलर ने 26 गेंदों पर 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 67 रन बनाए। राजस्थान के खिलाफ धुआंधार 69 रन बनाने वाले ऋषभ पंत मैन ऑफ द मैच रहे। इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में दिल्ली 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर आ गई है, तो वहीं हार के बाद राजस्थान 6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमों की बात करें तो 12 पॉइंट्स के साथ चेन्नई पहले, 12 पॉइंट्स के साथ हैदराबाद दूसरे, 10 पॉइंट के साथ पंजाब तीसरे और 8 पॉइंट के साथ कोलकाता 4थे नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।